शिलंग डेस्टिनेशन लगभग एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फिर लौट के गुवाहाटी में आया। गुवाहाटी में अभी कुछ डेस्टिनेशन बाकी है, जैसे महामुनि वशिष्ठ टेंपल और विज्ञान चिकला क्षेत्र और भी है रीजनल साइंस सेंटर और फुकन आकमुनि ऑडिटोरियम और लास्ट में आप लोग का दिखाएंगे उपानंद टेंपल, यानी कि ब्रह्मपुत्री नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, इसको आप लोग को एक्सप्लोर कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए। एक बात है दोस्तों, चाचे बोलने जाता हूँ, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं सिर्फ अपना यादों को संजो के रखने के लिए, अपना फैमिली के साथ जहाँ जहाँ घुमा तो इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए हम लोग वीडियो बनाता है यार, ताकि आगे चल के आने समय पर हम लोग इसको देख के याद कर सके, तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बनाता है। थैंक यू दोस्तों। अभी आप लोगों को पापी मार नीलामुनि फुकन ऑडिटोरियम में लेके चलता हूं, आप लोग देखते रहिए। बन घर Yeah.
दोस्तों, अगले मंजी ये श्रीमंत शंकर देवा म्यूजियम में लेके जाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। नोटिस नहीं पूरा तुमने मसाला और पुरुष फैन क्या भाई कला क्षेत्र ना गुवाहाटी कला क्षेत्र गुवाहाटी गवर्नमेंट का कला क्षेत्र ये पूर्व ज्योति म्यूजियम ना ये पूर्व ज्योति म्यूजियम पीछे क्यों देख रहा है यार, उधर भी देखो थोड़ा। आजा 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 आजा। हाय 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 हाय, वाह, थैंक यू थैंक यू। चित्त चित्त हेलो discuss fish.
नहीं है मॉल जैसा प्रमोद। एक के नहीं, एक के नहीं पूरा नोटिस नहीं पूरा। चलो वो मिशन दिखा दिया। अभी आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो उपानंद टेम्पल है, यानी कि भगवान शिव के मंदिर है। एक छोटा सा आइलैंड है नदी के बीच में, और इसका कथित अनुसार आप अगर माँ कामाख्यादेवी टेम्पल में जाएंगे तो पूरा दर्शन नहीं माना जाता जब तक ये महाउपानंद टेम्पल आप विजिट ना करें। तो देखते रहिए आप लोग। दोस्तों आप लोगों ने देखा वही है जो छोटा सा आइलैंड मैंने बोला ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में, तो आप लोग देखते रहिए। आप लोग उतरिए ना। अरे आगे आगे चल। गाड़ी पड़ी है तो रहा
अपानंद नमस्कार दोस्तों, फैमिली टूर वीडियो में हम लोग का साथ सफर में जो वीडियो देखा उसके लिए नमस्कार, थैंक यू।